हरियाणा के कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह ते इल्जाम लगाने वाली जूनियर कोच तो चंडीगढ़ पुलिस दी एसआईटी ने 8 घंटे सवाल किए ने। चंडीगढ़ पुलिस दे वल्लों जांच दे लिए एसआईटी दा गठन किया गया जिसने उन जूनियर कोच तो 8 घंटे सवाल जवाब किए ने। हालांकि जूनियर कोच ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने तो एसआईटी ने 4 दफा सवाल जवाब कर ले पर अजे तक मंत्री तो 1 दफा भी सवाल नहीं पूछे गए। जांच दे दौरान महिला कोच दा मोबाइल भी एसआईटी ने जब्त कर लिया। कई सवाल जवाब हुए ने, नाल ही महिला कोच ने इल्जाम एक बार तो खट्टर ते लगाए ने। उन्होंने कहा कि सीएम खट्टर जांच नू प्रभावित करन दी कोशिश कर रहे ने। नाल ही उन्होंने भी कह दिता कि हरियाणा सरकार दे वल्लों जांच दे लई जो एसआईटी बनाई गई है उस दे सामने पेश नहीं होणगे। इल्जाम जूनियर कोच ने भी ला दिता है कि उन्होंने नू बयानबाजियां करन तो रोकन दे लई पैसों की पेशकश भी की जा रही है। जो मैंने एसएसपी ऑफिस में जो मैंने कंप्लेंट फाइल की थी ये उसकी रिगार्डिंग उस कंप्लेंट के बिहाफ पे ये जो है एसआईटी गठित हुई है और इनको मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल्स में हर एक चीज़ इनको मैंने जो है बता दी है और ये मतलब जो भी कुछ पेंडिंग मुद्दे थे वो सब मैंने यहाँ इसमें प्रॉपर डाल दिया है। दूसरी चीज़ जो हमारे माननीय सीएम सर हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा पूरा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सब वही कि फाइनेंशियल चीज़ों के लिए आप कितना पैसा लेके आप पीछे हटेंगे, कितना पैसा चाहिए तो आप कंप्लेंट वापस मत लेना अपनी, लेकिन आप मुंह बंद रखने के लिए 1 महीने 15 दिन आप देश छोड़ के कहीं किसी भी देश में जाना चाहें आप जा सकती हैं और फिर 1 महीने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मुंह बंद करने के लिए। उसके बाद आप जो भी जितना पैसा आप चाहेंगी उतना पैसा आपको दिया जाएगा। इसको लेकर आज सुबह हम 11 बजे यहाँ पर आ गए थे और जैसा कि आपके सामने ही है 7:30 बज चुके हैं। अब तक कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक विदाउट एनी सेकंड इनसे सवाल जवाब हुए हैं। इन्होंने पूरी डिटेल के अंदर बेबाकी से हर एक सेकंड का इंसिडेंस पूरी डिटेल के साथ बताया कि इनका इस पूरे मामले के अंदर क्या कहना है और क्या चीज़ें हैं। और जो आपने एविडेंस की बात कही है जो जो रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल था वो इन्होंने दे दिया है और जो इनका फ़ोन था वो भी पुलिस ने आज सीज कर लिया है और जो इनके नंबर था जो उनके नंबर से सारे इन्होंने पूरी डिटेल्स दे दी है जिससे इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को कोई दिक्कत ना है। कंप्लेनेंट की तरफ से आप देख सकते हैं 4th बार ये अपना पूरा डिटेल 5-5, 6-6 घंटे के सेशन के साथ सारी बातें दे रही हैं। अब काम पुलिस का है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती। 354B लगी हुई है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 506 है, नॉन बेलेबल है, पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर रही उनको। तो इसके साथ आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार